सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस आर सावन भैया एंड आज की वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साइंस 2 के सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर से, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड आप लोग एक काम करो, अपने साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठो एंड जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वो सारी चीज़ें आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट करो। एंड गाइज, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले 26 मार्च से पहले मैंने टारगेट रखा है हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट करेंगे। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है एंड शेयर कर रहे हो अपने हर एक फ्रेंड के साथ। वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स कैम रखते हैं जो कि आप लोग डेफिनेटली करवा दोगे। शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ। अगर हम आपके साइंस 2 के सब्जेक्ट की बात करें, टोटल 10 चैप्टर्स हैं एंड ये 10 चैप्टर्स 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं। सबसे पहले पार्ट है बायोलॉजी का एंड सेकंड पार्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज का। अब जो आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 है एंड चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 8 है, ये 6 चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं एंड जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं ये एनवायरमेंटल स्टडीज के हैं। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये कोई हवा में नहीं बने हैं। मैंने आप सभी के PYQs को अच्छे से एनालाइज किया है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको अच्छे से एनालाइज किया है एंड देखा है कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। एंड देखो, मैंने खुद ने भी 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम्स दिए थे एंड साइंस के अंदर 90 स्कोर किया था, तो कहीं ना कहीं मुझे भी आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। अगर हम सबसे पहले वाले चैप्टर की बात करें, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, अब ये जो चैप्टर है एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसके अंदर देखो आपको मेनली क्या पढ़ना है, जो भी आपके डायग्राम्स हैं, जो भी आपके फ्लो चार्ट्स हैं, चार्ट्स हैं उन सबको एकदम अच्छे से करके जाना। एंड ये जो मैंने मार्क किया है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये वाले कंसेप्ट को एकदम अच्छे से करके जाना, ये सारे कंसेप्ट को आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। एंड ये चैप्टर में से मेनली जो भी मैंने मार्किंग की है वो सब आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में साथ के साथ मार्किंग करो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेज, ये जो भी एविडेंसेज है इनके डायग्राम्स, इनका एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से पढ़ लो, एकदम अच्छे से कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखो, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं जो भी डायग्राम्स है, स्पेशली चैप्टर 1 के अंदर से जो भी डायग्राम्स है एकदम अच्छे से पिट पैट प्रिपेयर करके जाना। एंड ये जो लामार्किज्म का कंसेप्ट है इसको एकदम अच्छे से क्लियर रखना। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं, ये जो चार्ट है या फिर जो शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस है उसके अंदर मेनली कनेक्टिंग लिंक, लामार्किज्म, ये सब पूछा जाता है, आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड आपको हर एक चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज गाइज एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज हाई वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अब मैं आपको अगर मेरे क्लास 10th का प्रोसेस बताऊं, मैंने सबसे पहले क्या किया था, टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से रीड की, सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से क्लियर किया एंड फिर जाके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आया था। आपको भी यही करना है, टेक्स्ट बुक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एंड फिर जाके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आना है। देखो गाइस, ये जो भी डायग्राम्स वगैरह हैं इन्हें एकदम अच्छे से करके जाना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस या फिर जो आपकी क्रैब साइकिल है इनसे रिलेटेड 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, मोस्टली आपको साइंस 2 के अंदर डायग्राम्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, ये जो भी डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, इन्हें समझ लो, जब आप समझ लोगे आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो 2 फ्लो चार्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मोस्टली बहुत बार आते हैं, 90% चांसेस हैं ये दोनों फ्लो चार्ट में से कोई एक आने का। मेक श्योर आप एकदम अच्छे से याद कर रहे हो, समझ रहे हो। अब देखो, अगर हम बात करें आपके साइंस 2 के पेपर के अंदर मोस्टली एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है, जो भी चार्ट्स डायग्राम्स हैं इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, ज़्यादातर लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से क्लियर रखा है आप बहुत अच्छे से पेपर को लिख के आ जाओगे। अब ये जो माइटोसिस, मायोसिस, ये जो प्रोसेसेस हैं अगर आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, फिर आपको इन्हें सेकंड टाइम करने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ लेना। एंड देखो गाइस, अगर हम बात करें डायरेक्टली एक्सरसाइज के अंदर, ये जो 3rd वाला फ्लो चार्ट है इसे भी आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। एंड देखो, इसके अंदर मैंने सारे मेनली क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है, लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप भी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट तो कर ही रहे हो, इस तरह से पढ़ लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आता है, या फिर गिव साइंटिफिक रीजन, चैप्टर नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक रीजन के हिसाब से, ये जो भी मार्किंग की है इन एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स
पार्ट टू। इसके अंदर जो प्लांट वाला कंसेप्ट है वो आपको एकदम अच्छे से करके जाना है, एंड ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये जो डायग्राम्स है ये आपको एकदम अच्छे से करके जाना है, बर्डिंग का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो वो लोग क्या करेंगे, आपको ये वाला डायग्राम दिखा देंगे एंड बोलेंगे ये कौन सा प्रोसेस चालू है या फिर ये कौन सा मेथड है। इस तरह से डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड बर्डिंग के अंदर कन्फ्यूज मत होना, ये यूनिसेल्युलर का था ऊपर एंड ये मल्टी सेल्युलर का है नीचे वाला, उस हिसाब से कन्फ्यूज नहीं होना है। और देखो अगर हम ये वाले कंसेप्ट की बात करें, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सारे शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देखो ये जो फ्लावर वाला कंसेप्ट है इसको तो करके ही जाना, हमारे टाइम पे 5 मार्क्स के लिए आ गया था। क्या पूछा था? डायग्राम बनाओ एंड इसके रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस। देखो पेपर काफ़ी सिंपल सेट होता है, अगर आपने एकदम अच्छे से पढ़ाई की है, सारे कंसेप्ट को क्लियर रखा है, आप बहुत अच्छे से पूरा पेपर लिख के आ जाओगे। मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर दी है, एंड ये जो टेक्स्ट बुक की PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो बोर्ड वाले क्या करेंगे, आपको डायग्राम दे दिया और फिर आपको उसको लेबल करना है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एकदम अच्छे से उसी हिसाब से पढ़ के जाना है। एंड देखो ये जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है या फिर डेवलपमेंट एंड बर्थ, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, कब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन से डे पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कब स्टार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे भी एंड वैसे भी। एंड देखो रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाईलाइट करना रह गया। इसके अंदर जो प्रोसेसेस बताएं, मेथड्स बताएं, उन्हें एकदम अच्छे से समझ लेना। देखो 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी से बता के रख रहा हूँ। अगर हम बात करें डायरेक्टली एक्सरसाइज के अंदर देखो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, बट ऑब्जेक्टिव्स एकदम अच्छे से कर लेना है एंड साइंटिफिक रीजन एकदम अच्छे से करना है। देखो मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पेपर मेरे को आया था मेरे टाइम पे, बट ये जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का, इसमें से आधे क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं एंड आधे क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडीज से आते हैं। तो आपको एक काम करना है, कोई भी एक सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज वो आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से सॉल्व करने में, एंड आपको कॉन्फिडेंस रहेगा खुद के ऊपर। अब मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ अगर आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ कर रहे हो तो बायोलॉजी को पूरी तरह से स्किप कर दो, नहीं, बट कोई भी एक सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत हाई वेटेज रखता है, ये चैप्टर को तो फुल्ली एकदम अच्छे से पढ़ लेना, एंड इसके अंदर कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर दी है इंपॉर्टेंट चीज़ों की। एंड देखो चैप्टर को समझ लेना है, आप खुद के वर्ड से भी लिख के आ सकते हो, चैप्टर को समझ लो, खुद के वर्ड से भी लिख के आ सकते हो, मैं लिख के आया था इसलिए बता पा रहा हूँ, एकदम अच्छे से खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो भी क्वेश्चंस हैं। अब समझो आपसे पूछा कि हाउ कैन यू कंजर्व द एनवायरमेंट, आप खुद के मन से लिखोगे ना कि हमें गार्बेज नहीं फेंकना है या फिर पॉल्यूशन कम करना है, इस तरह से आप खुद के वर्ड्स के अंदर लिख के आ सकते हो नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। या फिर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, अब ये जो पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, एंड इसके नीचे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी 3 मार्क्स के लिए 3 डेफिनेशन पूछ लेंगे, इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं, मार्किंग करो, अच्छे से पढ़ के जाना है, याद रख के जाना है। ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देखो इसके अंदर से ये जो डायग्राम्स हैं इन्हें पढ़ लो, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका नाम क्या है, ये चीज़ याद रखो, बिकॉज मेरे टाइम पे भी एग्जाम्स के अंदर आ गए थे, अब लकीली मैं तो पढ़ के गए थे इसलिए मेरे को आइडिया था क्या है क्या नहीं है। एंड ये जो वेब डायग्राम्स हैं, वेब चार्ट्स हैं, इन्हें एकदम अच्छे से कर लेना है। अगर हम डायरेक्टली बात करें एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के अंदर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है गाइस। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डैट इज टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, अभी वाला जो चैप्टर है इसके अंदर मेनली फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डायग्राम्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप एक चीज़ देखो, ये वाला जो चैप्टर है ना पूरा ही करके जाओ, बिकॉज कहीं से कुछ भी आएगा। एंड देखो ये जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन है, थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन, ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी कंसेप्ट से। एंड इसके बाद में आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला, इसके प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो, समझ लो, रिवाइज तो करना पड़ेगा बट रट्टा मत मारो, ज़्यादा टाइम मत दो, एकदम अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, सारे कंसेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, आप इजीली एग्जाम के अंदर खुद के वर्ड्स के अंदर लिख के आ सकते हो, मैं आपको मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। एंड देखो अगर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज के अंदर से इसके अंदर साइंटिफिक रीजन पूछा जाता है। हाँ देखो
साइंटिफिक रीजन, ये जो दो है काफी एवरग्रीन है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। अब देखो ये वाले चैप्टर के लिए लास्ट ईयर मैंने एक स्पेशल ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी, ये साल भी बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप लोग ये वाले वीडियो के लिंक को फॉलो करो, बहुत हेल्प होगी। जो भी आपके चार्ट्स वगैरह हैं आप उसके हिसाब से पूरे चैप्टर को प्रिपेयर कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया बहुत डर लगता है, बहुत सारे नेम्स है, कैसे याद रखेंगे, बट इसके अंदर जो भी चार्ट्स वगैरह है वो ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ट्स को एकदम अच्छे से दिमाग में रख लेना है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। अब ये वाला जो चैप्टर है तीन ही कंसेप्ट है, एंड तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स के लिए, एंड बहुत बार 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब इसके अंदर आपको करना क्या है ना, अब मैंने खुद ने तो क्या किया था, मैंने नोट्स बना लिए थे ये वाले कंसेप्ट्स के लिए। समझो डेयरी प्रोडक्ट है या फिर जो भी योगर्ट प्रोडक्ट है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है याद करने के लिए, या फिर यूट्यूब के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, फिर जैसे वो न्यू इंडियन एरा के हो या फिर पार्थ मुमाया के हो, बहुत हेल्प होगी, एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। अगर हम बात करें प्रोबायोटिक्स की, ये वाला पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, ये जो भी चार्ट्स वगैरह हैं गाइस, मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, चार्ट्स डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको एकदम अच्छे से करके जाना। एंड ये वाला जो डायग्राम है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करना है। एज अ सीनियर बता रहा हूँ, सीवेज मैनेजमेंट ये बहुत बार एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, ये आपके खुद के जनरल नॉलेज के लिए हैं, इन्हें इसी हिसाब से पढ़ लेना है। एंड देखो अगर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज के अंदर वेब चार्ट्स वगैरह, ये जो कंसेप्ट है ज़ैंथनगम का या फिर माइक्रोब्स, फिर उसके यूजेज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाले जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 एंड 8, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ये वाले चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अच्छे से पढ़ लेना है इनको। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर जो स्टेम सेल्स वाला कंसेप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पूरे चैप्टर के अंदर, बिकॉज उससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। एंड देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होगा, भैया आपने जो IMP मार्क किया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है क्या? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, चैप्टर को एकदम अच्छे से रीड करो, एकदम अच्छे से समझ लो, पूरे चैप्टर को पढ़ लो, और फिर जाके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आना है। एंड ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ इतना किया तो हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको इन्हें स्किप नहीं करना है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें स्किप मत करके जाओ, फिर जैसे कुछ भी हो जाए एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही है, बट ये जो मार्क कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें स्किप मत करके जाना। ये जो स्टेम सेल का कंसेप्ट है इसे स्किप मत करके जाना, एग्जाम के अंदर आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये वाला जो डायग्राम है इसे स्किप मत करो, एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में आएगा, बहुत चांसेस हैं। आपके दिमाग के अंदर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री या फिर ह्यूमन हेल्थ या फिर उसके ऊपर बायो फर्टिलाइजर्स, ये वाले कंसेप्ट एक बार पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक पोटैटो या फिर ये सारे जो अलग से कंसेप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, इन्हें एकदम अच्छे से करके जाना गाइस। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, अब देखो ये वाले जो कंसेप्ट है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, इन्हें एकदम अच्छे से पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए वो लोग पूछ लेंगे। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स तो एकदम अच्छे से करने ही है। एंड देखो चार्ट्स मैंने सारे इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से कर लेनी है। अगर मैं आपसे चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 की बात करूँ, काफ़ी सिंपल चैप्टर्स हैं, इन्हें एक बार गो थ्रू कर लेना, एकदम अच्छे से रीड कर लेना। अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हो आप लोग खुद के वर्ड्स के अंदर लिख के आ पाओगे। आप लोग मेरे से एक प्रॉमिस करो कि आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले ये जो आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 9, 10 इन्हें एकदम अच्छे से रीड करके जाओगे। बिकॉज गाइज रीडिंग जब आप करोगे आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम के अंदर अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको किस तरह से कौन से पॉइंट्स को ऐड करना है। फिर भी अगर हम बात करें, मैंने ऑलरेडी मार्किंग तो करी दी है, इसके अंदर आपको मन से ही लिखना है आंसर्स को। अब देखो मैं खुद तो मन से लिख के आया था एंड मेरे को मार्क्स मिले हैं, मैं आपको इसी हिसाब से बता पा रहा हूँ। एंड ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी, लेकिन तो स्क्रीनशॉट ले लो, मार्किंग कर लो, एंड आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। एंड देखो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज के अंदर ये जो भी डायग्राम्स हैं फोटोज हैं इन्हें आपको एकदम अच्छे से क्लियर रखना है। देखो समझ रहे हो ना, डायग्राम्स चार्ट्स जो भी आपके फोटोज वगैरह हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो भी मैंने IMP मार्क करवाए हैं, एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देखो गाइस एक चीज़ क्लियर रखो, ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये जो टोटल 10 चैप्टर्स हैं इनके मैंने आपको मार्किंग करके दे दी है,
अब ड्यूटी आपकी है, आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है एंड आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, सब लोगों को मिलके एकदम अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, 50,000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं। एंड देखो, साइंस 1 के लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है, यहाँ पे लिंक आ गई होगी। टिल दैट टाइम गाइज, बाय बाय।